खबरों की शुरुआत करते हैं कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा कर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि हम सब कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को ये कार्यक्रम समर्पित है। कार्यकर्ताओं के प्रति नतमस्तक होने का मन करता है। जिस तरह के भूतपूर्व जीत हरियाणा में मिली है, देश भर में कार्यकर्ताओं के मन में हरियाणा के कार्यकर्ताओं का स्थान ऊंचा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगली बार बीजेपी मिशन 75 का लक्ष्य रखा है। विधानसभा चुनाव में 75 विधानसभा की सीट जीतने की कोशिश करेंगे। इनेलो नेता के बीजेपी के संपर्क में होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुना है उनकी पार्टी में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। कार्यकर्ताओं को समर्पित है। लगभग 13-14 प्रदेशों में मेरा जिलों में जिला अनुसार ये मेरे कार्यक्रम हुए हैं और ये सब कार्यक्रम बड़े अभिभूत करने वाले हैं। इस कार्यकर्ता के प्रति नतमस्तक होने का मन करता है मित्रों। जिस कार्यकर्ता ने एक एक बूथ पर जाकर और बूथ के भी आगे कई कई हिस्से बनाकर एक एक पन्ने के वोटर्स को संपर्क करने का दायित्व तो हमारे पन्ना प्रमुख ने लिया और जिस प्रकार की अभूतपूर्व जीत हरियाणा में करके दिखाई है, केवल 10 में से 10 सीटें जीती है इतना ही परिणाम नहीं है, बल्कि जितने बड़े मार्जिन से जीती है इस मार्जिन ने तो पूरे देश भर में, हरियाणा भी कोई प्रांत है जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसको देश भर के लोगों के मन में, देश भर के भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं के मन में हरियाणा का स्थान बड़ा ऊंचा किया है मित्र, बड़ा ऊंचा स्थान कर दिया है। क्योंकि ये मार्जिन देखिए, यहां का मार्जिन भी मुझे लगता है 3,85,000 का मार्जिन 4 लाख का, और हमारी पड़ोस की सीट करनाल लोकसभा का जब मैं वहां जाता था तो कार्यकर्ता कहते थे हम 5 लाख के मार्जिन से जीतेंगे। मुझे भी कई बार विश्वास नहीं होता था कि 5 लाख का मार्जिन कैसे आएगा, लेकिन हमको मालूम है कि 6 लाख और कितना 6,54,000 का मार्जिन आया। 6 लाख से ऊपर देश भर में केवल 4 सीटों का मार्जिन है, जिसमें से मित्रों 2 हरियाणा की है, 2 बाकी सब प्रदेशों की है, चाहे उसमें करनाल है उसके बाद फरीदाबाद है। अब ये इतना बड़ा मार्जिन जो आया, ये कमाल हमारे उन कार्यकर्ताओं का जो नीचे इकाई के ऊपर सारे सिस्टम को संजो करके बैठे थे। जब चुनाव प्रारंभ हुआ तो हमने एक नारा दिया था, मेरा बूथ क्या सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये नारा हम देकर के चले थे। एक नई योजना शुरू हुई जिसमें कहा कि भी बूथ तब मजबूत होगा जब बूथ के अंदर वोटर लिस्ट के 10, 12, 15, 16 पन्ने हैं, तो एक एक पन्ना संभाल लो और पन्ना संभाल करके पन्ना प्रमुख ये अपनी ताकत लगाए तो जो माइक्रो मैनेजमेंट जिसको कहते हैं सूक्ष्म प्रबंधन, वो हमने इस प्रदेश में करके दिखाया। और अब मन करता है कहने के लिए मन करता है कि मेरा पन्ना सबसे चौकन्ना, मेरा पन्ना सबसे चौकन्ना, यानी हमारी जो चौकसी चौकन्नापन, यहां का रिकॉर्ड तो मैंने नहीं लिया। कल मैं 2 दिन पहले
गुरुग्राम के जिले में वहां 12 बूथों का, बूथ प्रमुखों का परिचय कराया गया, जिसमें 3 बूथ ऐसे थे मित्रों जितने वोट पोल हुए उसका 98% बूथ पर ये भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला। इस प्रकार का एक वातावरण जैसे पूरे देश में था, हरियाणा में था, ऐसा इस बार लगा जैसे एक वातावरण बना है, जनता आगे आगे है, बाकी सब पीछे पीछे। तो जनता को वोट की मशीन पर लाकर हम लोगों ने जो काम किया है अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है। हमारे कार्यकर्ता का मानस ये बाकी सब पार्टियों के मानस से अलग है मित्रों। बाकी सब पार्टियों में ये सब कार्यकर्ता जब उनकी जीत होती है तब भी लड़ते भिड़ते हैं, जीत का श्रेय लेने को फिरते हैं, हार होती है तब भी सिर्फ फटोफट करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी करते हैं। ना उनको जीत पचती है ना उनको हार सहन होती है। हमारा कार्यकर्ता जीत के श्रेय में भी अपना संतुलन बढ़ा के रखता है। एक खुश होने की बात स्वाभाविक है लेकिन खुशी में आपार होने का कोई कारण नहीं है। विपक्षी नेता हारने के बाद अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करने लग गए हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन हम लोगों को संतुलन नहीं खोना है, अपनी भाषा पर मर्यादा बढ़ा के रखनी है। और खास करके ये जो अगले 3 महीने का समय है, हमें विपक्षी पार्टियों को लोग उकसाएंगे कोई ना कोई तकलीफ देने के लिए, कुछ बात कहेंगे ताकि हमारा नेता हमारा कार्यकर्ता उकसा जाए, वो हमारे खिलाफ सब प्रकार के षड्यंत्र रचेंगे, तोड़फोड़ की राजनीति करने में वो माहिर लोग हर प्रकार का मौका ढूंढेंगे कि कोई भारतीय जनता पार्टी की कमी मिल जाए। मित्रों इस अच्छे वातावरण को बनाए रखने के लिए कोई मौका हमको आगे आने वाले 3 महीने में एक भी नहीं देना जिसके कारण से उनको कुछ कहने का ही अवसर मिले। हम लोगों ने अगला टारगेट भी स्पष्ट कर लिया है, जैसे इस बार 10 की 10 सीटें हमने जीती हैं, अगली बार ये जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव आएगा इसमें अपना मिशन रखा हमने मिशन 75 प्लस। 75 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में यदि आती है और निश्चित रूप से जनता का जो हमको प्यार मिला है, लगातार जिस प्रकार से जनता हमारे कार्यक्रमों से, हमारी कार्य पद्धति से, हमारी नीतियों से जिस प्रकार से वो सहमति रखती है, उसके साथ उसका उनको अपना भला लगता है कि जनता का हमारा भला इसमें से होने वाला है। जैसे हमने लगातार 4.5 साल चुनाव, चाहे वो फरीदाबाद नगर निगम का हो, गुरुग्राम नगर निगम का हो, पंचायतें, जिला परिषद और नगर परिषदों का चुनाव, बाद में 5 नगर निगम का डायरेक्ट चुनाव और फिर जींद का चुनाव और अब लोकसभा का चुनाव, इन सब चुनाव में लगातार हमारी जीत, हमारी जो ग्राफ बढ़ा है, जनता उसी प्रकार का प्यार हमको आगे अगले विधानसभा में चुनाव देने वाली है। और ये 75 प्लस का जो मिशन हमारा है ये आप लोगों के माध्यम से जनता के पास जा सके पूरा करने का लक्ष्य हमने रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको पूरा करेंगे।